Just like the street lights lit this time, like a fire in a blaze, gotta burn. हेलो अस्सलाम वालेकुम वाली क्या, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक। मतलब कैसे गुजर जिंदगी आपके, जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी, मज़ेदार गुजरी, खुशगवार गुजरी होगी। तो कल मैं गया था मार्केट और मार्केट से मैं लेके आया एक प्रोडक्ट। तो जब से वो प्रोडक्ट मैं लेके आया तब से मेरा दिल कर रहा है कि उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी की नहीं है। तो आज मेरा दिल कर रहा है मैं उसकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द फोटोग्राफी और उसको खिताब पर पहुँचाते हैं। किसी भी काम करने से पहले आपको चाहिए होती है एनर्जी, तो उसके लिए हम लेके आए हैं स्टिंग एनर्जी ड्रिंक। सो उसको पीते हैं, उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि लेजीनेस जो है ना बढ़ जाती है बैठ बैठ के। तो इस वजह से हमने स्टिंग मंगा ली और स्टिंग पीते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये जी देखिए, मैंने बिल्कुल सेटअप किया हुआ है। व्हाई आई एम यूज दिस, बिकॉज इसका टेक्सचर जो है ना बड़ा क्रंची सा है, बड़ा एक हार्ड टेक्सचर देता है उसको, और इसको एक, मतलब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है इनका, एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा। सो इसकी वजह से, और ये चीज़ें जो है आम लाइफ में इस्तेमाल की जाती हैं, तो इनको मैंने एक टेक्सचर के थ्रू एक थीम बना दी है। और जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ 60, ये आप देख सकते हैं, और लाइट मैं स्टिल पे यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए स्टिल लाइट है, ये सारा सीन है। हेलो जी, हम आ गए लाइटरूम में। लाइटरूम में सीन ये है कि मेरे पास ऑलरेडी प्रीसेट बने होते हैं, तो मैंने एक प्रीसेट अपना बनाया हुआ टफ नाइफ के नाम से, जो ये आप देख रहे हैं, ये आफ्टर है, ये बिफोर है। तो ये मैंने कैसे बनाया, इसकी मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। सबसे पहले बेसिक में आते हैं। बेसिक में मैंने इसका टेम्परेचर सेट किया है 4381, और इसका जो है टिंट है वो बिल्कुल ही -2 पे किया है मैंने। एक्सपोजर और कंट्रास्ट मैंने इसका नहीं छेड़ा क्योंकि वो बिल्कुल सेट था। हाईलाइट मैंने -45 कर दी है, शेडो मैंने -26 कर दी है, वाइट्स मैंने +38, ब्लैक्स मैंने -12। ये सारी चीज़ें बेसिकली होती हैं आपकी अपनी सेटिंग पे, जिससे आप पिक्चर निकालोगे उस हिसाब से ये बेसिक सेटिंग करोगे। क्लैरिटी मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि टेक्स्चर जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। वाइब्रेंस मैंने इसको छेड़ा ही नहीं है। सेचुरेशन मैंने इसको बढ़ाई है ताकि मैं आगे कलर्स के साथ छेड़छाड़ कर सकूँ, तो वो +26 है। उसके बाद आते हैं टोन कर्व पे। टोन कर्व में मैंने हाईलाइट्स, मिड्स और शेडो इन तीनों के साथ थोड़ा थोड़ा ट्विकिंग की है, थोड़ी थोड़ी सी, बाकी ओवरऑल कुछ भी नहीं किया इसके साथ। कलर्स में आते हैं। कलर्स में मैंने रेड की जो है सेचुरेशन बढ़ा दी है, यू मैंने थोड़ा 51 कर दिया है, और ल्यूमिनेंस -29। ह्यू इसकी कलर है, जो कलर चेंज होती है, सेचुरेशन इसकी कलर की डेंसिटी, और ह्यू ल्यूमिनेंस इसकी लाइट होती है कलर की। ऑरेंज मैंने +100 कर दिया है, उसकी ल्यूमिनेंस +7 कर दी है, येलो मैंने +100 सेचुरेशन कर दी है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छोड़ा, बाकी इन सब की मैंने जो है सेचुरेशन बिल्कुल बंद दी है, बाकी सारे कलर्स मैंने इसके बंद कर दिए हैं ताकि इनमें से वो नहीं है। स्प्लिट टोनिंग में मैंने शेडो है उसका थोड़ा सा, शेडो जो मैं रखा है 232 पे रखा है, और उसकी जो सेचुरेशन है मैंने 26 पे रखी है। आप अपनी मर्जी से देख रख सकते हैं जैसे आपको लुक चाहिए। इतना किया है, ज़्यादा नहीं किया कुछ भी, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। बाकी ये सारी सेटिंग मैंने आपको दिखा दी, आप इनको ट्राई करें और अब चल के देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तो जी फाइनल रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं, कितने खूबसूरत तस्वीरें आए हैं। सिंपली हमने क्या किया, घर में जो चीज़ें पड़ी थी उनको इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को खूबसूरत तरीके से पिक्चर में ले लिया हमने। तो उसमें मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, घर की चीज़ें उठाई हैं। लाइट जो थी मेरे पास स्टिल थी, मैंने बड़ी लाइट्स इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मैं इस पर करना चाहता था
एक नया एक्सपेरिमेंट हो गया मेरे लिए भी, आप लोग भी से इस एक स्टिल लाइफ पे कर सकते हो, इतनी खूबसूरत फोटोग्राफी हो सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा भी हो इसमें से, मैंने सोचा कि थोड़ी इन्फॉर्मेटिव भी बनाओ ताकि आप सीख सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय व्लॉग, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।